तो जब कोई भी पुलअप्स करता है तो चिन को कितना ऊपर लेके जाना है, तो चलिए देखते हैं। इतना ऊपर लेके आना है। तो हेलो मजबूत लोगों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले पुलअप्स के ऊपर, कैसे आपको पुलअप्स को परफॉर्म करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और इससे फायदा क्या होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पुलअप द्वार पर आ जाना है और आपको ये जो बैंड दिख रहे हैं यहाँ पर आपको ग्रिप लेनी है, कैसी वाली? मजबूत वाली, ठीक है। एंड आपके जो स्केप्यूल है उसको रिट्रैक्ट करना है, एंड देन आपके पैरों को ऊपर, बॉडी को थोड़ा सा इंच करते हुए, एंड पुल, स्लो डाउन, पुल, स्लो डाउन, पुल। तो इसके अंदर आपके जो बैक के मसल्स है, लैटिसिमस डोर्सी, बाइसेप्स हो गए, फोरआर्म से, ये सारे मसल इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। लेकिन ये बात हो गई जैसे इंटरमीडिएट है, एडवांस ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर लोगों का क्या? तो बिगिनर्स के लिए हम बात करेंगे, ऐसा रेजिस्टेंस बैंड आता है, इसको आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से यूज करना है देख लीजिए। यहाँ पर आपको ग्रिप लेना है, इस तरीके से आप कर सकते हो, एंड देन इसको आप ध्यान से यूज करना है ताकि आपको लगे नहीं, दोनों पैरों को नीचे ले लेने, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर ग्रिप ले लेनी है जैसी आपने ली थी, बैकवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, पैर हैंडल, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप पुलअप्स कर रहे हो तो पुलअप्स करते टाइम आपकी जो बॉडी है ज्यादा स्विंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके शोल्डर के अंदर इंजरी हो सकती है या तो फिर लोअर बैक के लिए। और इसको कब परफॉर्म करना है आपको, जब आपका बैक का वर्कआउट है, एज अ वार्म अप के अंदर या फिर डेली रूटीन के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो। तो आई होप सो आपको पुलअप्स के बारे में पता चल गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।